एएचसी एकेडमी मालेगांव नीट जेडबलई की बेहतरीन तैयारी आईआईटी टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी। एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। इस वक्त आज माननीय पवार साहब से आज हमारी मुलाकात हुई। कल पवार साहब ने इसी चौहान सेंटर में पार्टी का इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद का, और रात में हम लोग मालेगांव से यहाँ पर आए और शरद पवार साहब से भी हमारा मीटिंग हुआ। हमने रिक्वेस्ट उनसे किया कि आप अध्यक्ष बने रहें, अपना इस्तीफा वापस लें, आपके ऊपर पूरा महाराष्ट्र में देश देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई ताकत है, कोई लड़ सकता है तो पवार साहब लड़ सकते हैं। ऐसा हमने उनसे कहा कि आप लड़ सकते हैं, इसके लिए आप अपना इस्तीफा वापस लें। क्योंकि दादा पवार साहब से भी कहा, हम लोगों ने मिला और उनसे भी यही कहा कि आप पवार साहब को मनाइए या रिजाइन आप अपना वापस लें, इस्तीफा वापस लें। यह ताई उनसे भी हमारा मीटिंग में बातचीत हुआ, उन्होंने भी कहा, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि पवार साहब को आप मनाइए। आज हम लोग तमाम एनसीपी के बड़े लीडरान से मिले हैं और पवार साहब ने यही कहा कि मैं 60 साल मुझको पार्टी का काम करते, सामाजिक काम करते हुए राजकारण में हो गए हैं, किसी न किसी को तो आगे आना है, लेकिन उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप कॉरपोरेशन के चुनाव है महाराष्ट्र में, असम्बली के चुनाव आने वाले हैं और पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, तो आप ये तमाम ही चुनाव आप निकाल ले। आपकी उम्र का भी ख्याल हमको है, लेकिन आपकी क्यादत में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, इस तरीके से रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है कि 2-3 रोज़ के अंदर मैं तमाम ही लोगों से सलाह मशवरा करके और कोई अच्छा फैसला लूँगा, जिस तरीके का यकीन पवार साहब ने दिलाया। दो नामों शरद पवार साहब ने इस्तीफा दिया है, हमारी तो पहली रिक्वेस्ट यही है कि पवार साहब इस्तीफा वापस लें, उसके बाद अगर कोई फैसला पवार साहब जो फैसला करेंगे पार्टी के हित में और जिसको भी फिर पार्टी के नेतागण जो कमेटी बनी है जो जिम्मेदारी देंगे तो हम पार्टी के साथ उन लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।